Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and in today's 1 minute concept series I will discuss about teaching methods. हम आज कुछ 10 teaching methods को discuss करेंगे. Detailed video lecture available है channel पे. Teaching methods. सबसे पहले हम बात करते हैं storytelling method की. कि आप क्या use कर रहे हैं, आप story का use कर रहे हैं. Storytelling method जो usually छोटे बच्चों के लिए use किया जाता है, कि आपने उन्हें कोई story सुना दी और आपने उन्हें finally concept की तरफ लेकर जाए, क्योंकि उनकी knowledge में कम होती है और एक कंसेप्ट फॉर्मेशन करने के लिए आप स्टोरी की हेल्प लेते हैं. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप स्टोरी की हेल्प लेते हैं. टीचर का यहाँ पर एक्टिव जोन होगा और स्टूडेंट जो होंगे वो पैसिव लर्नर की तरह सिर्फ उस स्टोरी को सुनेंगे. तो टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है. टीचर को ऐसी स्टोरीज यूज़ करनी है और स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन इंटरेस्ट बनाए रखना है ड्यूरिंग देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो टीचिंग लर्निंग में फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्टोरी टेलिंग मैथड, जिसमें आप स्टोरी की हेल्प लेंगे, स्टोरी टेलिंग से आप टीच करेंगे. क्लियर. देन सेकेंड वी हैव टेक्स्ट बुक मैथड. स्टोरी टेलिंग हो गया, नाउ वी हैव द टेक्स्ट बुक मैथड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है. टेक्स्ट बुक की हेल्प ली जाती है और जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ करेंगे फॉर योर टीचिंग लर्नर्स, उसमें आप क्या करेंगे कि वो रिलायबल सोर्स होनी चाहिए. आपने यूजुअली देखा होगा कि बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन स्कूल एंड कॉलेज में कुछ ही बुक्स आपको दी जाती हैं. तो जो आपको बुक्स दी जा रही हैं वो रिलायबल सोर्स होनी चाहिए. उसमें रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों ही आस्पेक्ट्स होने चाहिए. टेक्स्ट बुक की आप हेल्प लेने हैं, साइंस में यूज़ किया जाता है, ग्रामर टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक की हेल्प ले रहे हैं. दैट टेक्स्ट बुक में इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आप बुक की हेल्प ले रहे हैं, आप क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती. अदरवाइज कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है. टेक्स्ट बुक की हेल्प ले रहे हैं तो टेक्स्ट बुक मैथड. स्टोरी टेलिंग किया देन स्टोरी टेलिंग मैथड. थर्ड वी हैव द लेक्चर मैथड. अब आपने क्या कर रहे हैं, लेक्चरिंग कर रहे हैं, जिसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है. आप चॉक यूज़ कर रहे हैं और वाइल टॉक जो आप लेक्चर दे रहे हैं उसमें आप बात कर रहे हैं. ये भी आपका टीचर का रोल जो होगा वो एक्टिव होगा. स्टूडेंट सिर्फ पैसिव लर्नर्स हैं, कि स्टूडेंट का रोल नहीं है. वो लेक्चर जो भी टीचर दे रहे हैं वो उसे सुन रहे हैं. तो टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है. उन्हें ऐसे टीचिंग लर्निंग करनी है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो और फाइनली उन्हें कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाए. फोर्थ वी हैव द डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. आप साइंस की क्लासेस देखते हैं 11th 12th में, या जो भी टीचर उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हुए, या कुछ भी आप कंप्यूटर की क्लास देख रहे हैं, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया टीचर ने कि कैसे यूज़ हुआ. सोलर सिस्टम एग्जाम्पल है, हम सोलर सिस्टम बना नहीं के पास नहीं जा सकते हम, लेकिन सोलर सिस्टम को एक मॉडल या चार्ट पेपर की हेल्प से आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को. आप कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है. तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. नेक्स्ट वी हैव ट्यूटोरियल मेथड. ट्यूटोरियल मेथड जो दो टाइप का होगा, जिसमें आपके हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस ग्रुप होंगे. कई बार आपने देखा होगा हम ट्यूटोरियल देते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़ इट. ट्यूटोरियल में आपके ट्यूशन भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ट्यूशन दे रहे हैं आप. उसमें होमोजीनियस ग्रुप के आपके एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक ही सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं ट्यूटोरियल मेथड में. हेट्रोजीनियस मान लीजिए आपकी क्लास 12th है, जिसमें साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है. तो हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स हैं और आप एक चीज़ उन्हें ट्यूटोरियल के मैथड से टीच कर रहे हैं. कुछ भी आप देंगे इसमें, हाउ टू यूज़ इट या हाउ टू डू इट, इस तरह के कंसेप्ट होंगे. नेक्स्ट वी हैव दी क्वेश्चन आंसर मैथड. क्वेश्चन आंसर मैथड जिसमें आप दोनों टीचर एंड स्टूडेंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी. टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट आंसर करेंगे, स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर आंसर करेंगे. तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल जो होगा वो एक्टिव होगा. देन वी हैव द डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड में भी स्टूडेंट का रोल एक्टिव होगा. आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन की हेल्प से उन्हें टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, तो टीचर का रोल भी एक्टिव होगा और स्टूडेंट का भी. डिस्कशन हो रही है आप में या स्टूडेंट्स में भी डिस्कशन हो सकती है. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें आप किसी पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम देंगे और उसे वो सॉल्व करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड. देन वी हैव द डिस्कवरी मेथड. डिस्कवरी मेथड में क्या है कि आप कोई भी पास्ट में जो इवेंट हो चुका है, जो भी हैपेंड इवेंट है, उस पर डिस्कवरी कर रहे हैं, अगेन उसे डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवरी मेथड. द लास्ट वी हैव द प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड में जिसमें आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिसमें ग्रुप लर्निंग होगी, टीम लर्निंग होगी, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीम में लर्न करना सीखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के. 11th 12th में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या आप ग्रुप में काम करते हैं, जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. सबसे पहले हमने सीखा स्टोरी टेलिंग मेथड. सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की हेल्प से आपको टीच किया, टेक्स्ट बुक की हेल्प से टीच किया, कोई भी आपकी बुक होनी चाहिए, NCERT का एग्जाम्पल है, दैट बुक शुड बी रिलायबल सोर्स. देन वी हैव द लेक्चर मेथड. आपने लेक्चर की हेल्प ली, टीचर का रोल एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव लर्नर है,
देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, एक्टिव रोल है, स्टूडेंट सुन रहे हैं. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर, दोनों का रोल एक्टिव है, क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है. देन ट्यूटोरियल मैथड, जिसमें दो टाइप के आप ग्रुपिंग कर सकते हैं और ट्यूटोरियल दे सकते हैं. ट्यूशन इसका एग्जाम्पल्स हैं. देन वी हैव डिस्कशन मैथड, जिसमें डिस्कशन होगा स्टूडेंट से भी और टीचर से भी. देन ह्यूरिस्टिक मैथड, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा. नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरी मैथड, जिसमें किसी पास्ट इवेंट को डिस्कवर किया जाएगा, अगेन डिस्कवर किया जाएगा. प्रोजेक्ट मैथड, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. ग्रुप लर्निंग, टीम लर्निंग, स्टूडेंट इसमें सीखते हैं. आई होप आपको ये मैथड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर हुए होंगे शॉर्ट वीडियोज़ में, जिसमें आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.